Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard fifth. Uh, in that chapter number six helper uh, tool. Uh, dear student, in previous session we see and learn about the some MCQs, filling the blanks, and true false of this chapter. Uh, now let's start the short questions for the वन मार्क्स इन दैट हियर डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू राइट दैट हाउ आर द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स यूजफुल ओके वी हैव टू गिवन द नेम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रॉम दैट वी हैव टू राइट अबाउट समथिंग दैट प्रोफेशनल्स हाउ दे आर हेल्पफुल फॉर अस ओके यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल के नेम दिए हैं उसके बारे में हमें यह लिखना है कि वो हमें किस तरह से हेल्पफुल रहते हैं वो अपनी ड्यूटी Uh, किस तरह से करते हैं uh, वो उसके बारे में हमें लिखना है सो लेट इट फर्स्ट वन दैट इज़ पॉलिसमैन तो पॉलिसमैन हमें किस तरह से हेल्पफुल रहता है पॉलिसमैन मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर इन रीजन प्रोटेक्ट पीपल ओके वो लॉ को मेंटेन करते हैं ओके okay? कोई लॉ के अगेंस्ट में वर्क करता है फॉर एग्जांपल कोई चोरी करता है दूसरा कुछ अनलॉफुल थिंग्स करता है ओके okay? तो उसको मेंटेन करते हैं उसको पकड़ते हैं प्रोटेक्ट पीपल प्रोटेक्ट दैट मीन्स उसको प्रोटेक्ट uh, करते उसकी रक्षा करते हैं ओके okay? तो ये वर्क हुआ पुलिसमैन का द नेक्स्ट जज हियर्स प्ली ऑफ पीपल एंड गिव देम प्रॉपर जजमेंट ओके लोगों को न्याय देते हैं अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो हियर दैट मीन्स उसको लोगों को आ, सही थिंग्स देते हैं जजमेंट देते हैं एंड लोगों को आ, जो भी बुरा वर्क करते हैं उसको पनिशमेंट देते हैं एंड जिसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको उसका रिवॉर्ड देते उसको जस्टिफा जस्टिफिकेशन देते उसको न्याय देते हैं दैट इज़ दी वर्क ऑफ जज ओके जो कोर्ट में होते हैं ओके okay, उसका ड्रेस ब्लैक ऊपर का कोट होता है उस तरह का उसका ड्रेस होता है दैट इज कॉल जज देन थर्ड स्वीपर स्वीप्स स्कूल ऑफिस रोड एंड स्ट्रीट ओके आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में भी जो सफाई करने के लिए लोग आते हैं उसको स्वीपर कहते हैं तो ये सब प्लेस से वो स्वीप करते हैं एंड क्लीन करते हैं ओके देन नेक्स्ट डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स ओके जब भी हमें बुखार आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ओके डॉक्टर एग्जामिन एंड देन आफ्टर गिव द ट्रीटमेंट फॉर दैट गिव द मेडिसिन ओके हमें पेशेंट को वो ट्रीट करता है उसको जो भी uh, तकलीफ है जो भी बीमारी है उसको uh, रिमूव करता है सो दैट इज़ द वर्क ऑफ डॉक्टर ओके यू कैन राइट बाय योर सेल्फ ऑल्सो ओके डी स्टूडेंट्स इसके बारे में आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो Then after next teacher. Okay. So the work of teacher that is teaches the children. And that is useful for all the children. Students. They give the uh, knowledge to the students. Okay. So this is the work of teacher. Okay.